हम अपना यही तमाम का तमाम डेटा एक्सेल फाइल से रीड करने के बाद एक टेक्स्ट फाइल के अंदर भी राइट कर सकते हैं। इसको टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट करने का तरीका कार वो है जो हमने लास्ट लेसन में सीखा था। सबसे पहले हम टेक्स्ट फाइल का हैंडलर क्रिएट करेंगे। फाइल के नेम से हमने हैंडलर क्रिएट किया और जिस फाइल के अंदर सेव करना है वो टेक्स्ट फाइल का नेम दे देंगे। अगर हम उसका मोड देंगे, उसका हमने राइट के मोड में उसे ओपन किया उस फाइल को, देन अपने पास वही काम करना है, सिर्फ और सिर्फ तमाम जो डेटा रीड हो रहा होगा उसका लूप सेम रहेगा, लेकिन जब राइट करने के टाइम यहाँ पे जो हैंडलर इस्तेमाल किया जाएगा वो अब टेक्स्ट फाइल का हैंडलर इस्तेमाल किया जाएगा। फाइल डॉट राइट डेटा प्लस बैक स्लैश एन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाया कि जो तमाम का तमाम डेटा वो हर न्यू लाइन के अंदर जाके स्टोर हो और एंड पे इसी फाइल को क्लोज करे। अगर फाइल को मैं क्लोज नहीं करूंगा तो वो फाइल तो क्रिएट कर देगा लेकिन अब फाइल के अंदर कोई चीज भी प्लेस नहीं करेगा। अब अगर इसको मैं रन करूं तो हमारे पास हमारा कोड ठीक से रन हो गया। एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने देखा कि हमारे फाइल के अंदर तमाम का तमाम डेटा हर न्यू लाइन के अंदर राइट अप हो चुका है। अगर मैं इसको डिलीट करता हूं और मैं चेक करूं कि क्लोज का हमारे पास ऑपरेशन क्या काम करेगा, अब उस हमारा कोड तो एग्जीक्यूट कर दिया, हमारी फाइल भी क्रिएट कर दी लेकिन कोई भी चीज अंदर उसने राइट अप नहीं की। सिर्फ और सिर्फ हमें क्लोज का कमांड इसलिए जरूरी है कि जो तमाम का तमाम डेटा उसको वो बिल्कुल ठीक तरीके से राइट कर दे। बैक स्लैश एन की जगह अगर मैं स्पेस डाल दूं यहाँ पे तो वो हर सेंटेंस को एक ही लाइन में लिखेगा लेकिन स्पेस के साथ राइट अप कर देगा। उसने तमाम के तमाम डेटा को राइट किया और फुल स्टॉप के बाद जब पहली फाइल जो ही हमारी पहला कॉलम रीड होने के बाद नेक्स्ट कॉलम यहाँ से राइट अप स्टार्ट किया, वहां पर उसने स्पेस दे दी हमारे पास। इस तरह हमें एक्सेल फाइल से चीज को रीड करने के बाद टेक्स्ट फाइल में कैसे राइट करते हैं और यही सेम काम हम टेक्स्ट से रीड करने के बाद एक्सेल में कैसे राइट अप करते हैं वो भी हमारा बिल्कुल सेम काम है, जस्ट हमारे हैंडलर्स चेंज हो जाएंगे उसके अंदर भी।